नमस्कार बच्चों, इंडिया से टेली मंडी से मैं डॉक्टर मेनका यादव। हम पढ़ रहे थे ईवीएस सेकंड सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6, द पावरफुल डायनेस्टीज ऑफ इंडिया। तो हमने पढ़ा कि चार पावरफुल, बेसिकली तीन पावरफुल डायनेस्टीज थी, मुगल वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। उनका टाइमिंग, उनमें कौन कौन से राजा मुख्य थे, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आगे तो एप्लीकेशन में आता है, वाई डू वी स्टिल रिमेंबर दीज किंगडम्स। इन साम्राज्यों को हम अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी क्यों याद करते हैं, क्योंकि वो तो जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो अब याद क्यों करते हैं। तो इसका रीज़न इसमें गिवन है, लेट अस रीड अबाउट सम इम्पोर्टेंट एक्शंस ऑफ द रूलर्स ऑफ दीज डायनेस्टीज। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एक्शंस इन राजवंशों के द्वारा, राजवंशों के रूलर्स मतलब शासकों के द्वारा जो लिए गए थे, जो आज भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। स्प्रेडिंग नॉलेज, सबसे पहला है स्प्रेडिंग नॉलेज, यानी नॉलेज को बढ़ावा देना, ज्ञान को बढ़ावा देना। दे इन्वेंटेड विजिटर्स फ्रॉम अदर किंगडम्स, सॉरी दे इन्वाइटेड विजिटर्स फ्रॉम अदर किंगडम्स टू लर्न अबाउट अदर प्लेसेस। तो राजा थे, उन्होंने क्या किया, दूसरे राज्यों से विजिटर्स को इनवाइट किया, आगंतुकों को, उन जगहों के बारे में जानने के लिए। दे सपोर्टेड ग्रेट रिलीजियस टीचर्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बड़े धार्मिक गुरु थे, उनको भी उन्होंने सपोर्ट किया, सहायता की। दे बिल्ट कॉलेजेस वेयर लिटरेचर, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड अदर सब्जेक्ट्स वर टॉट। उन राजाओं ने ऐसे बड़े कॉलेज बनाए जिनमें साहित्य पढ़ा जाता था, मैथमेटिक्स, दवाइयाँ कैसे बनती हैं, मेडिकल साइंस के बारे में और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, उनका उन्होंने उन कॉलेजेस को बनाया। इनकरेजिंग आर्टिस्ट, जो कलाकार थे उनको भी उन्होंने प्रोत्साहित किया। मैनी ग्रेट प्लेस एंड पोइम्स वर रिटन, बहुत बड़े ग्रेट प्लेस यानी महान नाटक, प्लेस मतलब नाटक, पोइम मतलब कविताएँ, बहुत कविताएं और नाटक लिखे गए थे। बुक्स सच एस महाभारत वर ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेजेस। पुस्तकें जो कि हमारे मुख्य ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत, उनको दूसरी भाषाओं में भी लिखा गया, अनुवाद किया गया। दे सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, उन्होंने ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट को सपोर्ट किया, मतलब कला का सम्मान किया उन्होंने, कला और कलाकारों का। आर्ट इन आर्किटेक्चर इन द एंशियंट किंगडम्स, जो प्राचीन भारत था उसमें कला और आर्किटेक्ट मतलब जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको बना, विशेष रूप से बनाना आर्किटेक्चर कहलाता है। तो ऑल द किंगडम्स ऑफ दीज डायनेस्टीज वर सपोर्टर्स ऑफ आर्ट, सभी के सभी राजा, वंशों के राजा कला के सपोर्टर रहे हैं। दे बिल्ट मैनी टेम्पल्स एंड मोनूमेंट्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा टेम्पल्स बनाए, मंदिर बनाए, मोन्यूमेंट्स होते हैं स्मारक, स्मारक भी बहुत ज़्यादा बनाए। तो तीन हमने वंश पढ़े हैं, चोला, अशोक, मुगल एंड गुप्त, चार पढ़े हैं हमने, गुप्ता भी था। तो चोला वंश एंड गुप्ताज ने क्या क्या किया, चोला वंश एंड गुप्ताज ने टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स बनाए थे, टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स इस तरह के। अशोका ने मैसेज फॉर हिज पीपल कार्व्ड इनटू स्टोन्स। मौर्य वंश के राजाओं ने क्या किया, जैसे अशोका, ये पत्थर हैं, यहाँ पर शिला लेख, शिला का मतलब होता है पत्थर, लेख मतलब लिखना, तो इसको बोलते हैं शिला लेख लिखा, अपने कार्व्ड मतलब लिखना, पत्थर पर खोद कर लिखना, उसको बोलते हैं कार्विंग। तो पत्थरों पर लिखे गए थे मैसेज जो कि उसके लोगों के लिए थे, तो अभी तक भी वो उपस्थित हैं। मुगल वंश ने क्या किया, किले बनवाए, महल बनवाए, पैलेसेस, गार्डन्स बनवाए थे, जैसे कि ताजमहल भी मुगल वंश ने ही बनवाया था। स्पेशल फीचर्स ऑफ द किंगडम ऑफ इंडिया, जो किंगडम्स ऑफ इंडिया थे उनके विशेष गुण, विशेषताएं क्या क्या थी, ऑल द किंगडम्स हैड सम स्पेशल फीचर्स, सारे के सारे राजाओं के कुछ स्पेशल फीचर्स थे। दीज किंग्स हैड पावरफुल आर्मीज, इनके पास पावरफुल आर्मी थी, सेनाएं बहुत ताकतवर होती थी। दे प्रोटेक्टेड द किंगडम्स फ्रॉम आउटसाइडर्स,
आउटसाइड मतलब बाहरी लोग, प्रोटेक्टेड मतलब रक्षा की, उन्होंने ये जो सेनाएं थी उन्होंने आउटसाइडर से रक्षा की राज्यों की। द सोल्जर्स केम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द किंगडम्स। सोल्जर्स मतलब सेना के सिपाही, सेना के सिपाही। ऑल पार्ट्स मतलब सारे भाग, राज्यों के सारे भाग से सेना के सिपाही उसमें भर्ती होते थे। द मुगल आर्मी वॉज नोन फॉर देयर सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक। मुगल आर्मी के पास घुड़सवार थे, हॉर्स बैक सोल्जर्स मतलब घोड़े पर चढ़कर आने वाले सिपाही। द किंगडम्स रिमेन्ड एट पीस विद द हेल्प ऑफ लॉज इन रूल्स। सभी साम्राज्य जो थे वो शांति से रहते थे क्योंकि उनके पास कुछ रूल्स थे, कुछ नियम थे, उनके हिसाब से शांति बनी रहती थी। पीपल वर ऑल्सो एबल टू ट्रेड विद ईच अदर। लोग एक दूसरे के साथ व्यवसाय करने में, ट्रेड मतलब व्यापार करना, व्यवसाय करना, व्यवसाय भी कर सकते थे। दे वर ग्रेट सपोर्टर्स ऑफ आर्ट कल्चर एंड एजुकेशन। सबके सब राजा आर्ट कल्चर और एजुकेशन के बहुत बड़े समर्थक थे। हायर ऑर्डर थिंकिंग पढ़ते हैं अभी। इफ़ यू वर ए किंग और क्वीन, अगर आप राजा होते या रानी होते, वाट वुड यू डू फॉर योर किंगडम। तो आप अपने राज्य के लिए क्या करते, वाट वुड यू लाइक टू बी नोन फॉर। आपको क्या लगता है कि आप ऐसा कुछ करते जिससे दुनिया आपको याद रखती, जैसे अभी लोगों को याद रखा जाता है, राजाओं को याद रखा जाता है। डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन ग्रुप ऑफ थ्री। तीन के ग्रुप में आपको ये क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो अभी क्योंकि स्कूल अभी खुले नहीं है आपके लिए, तो आप अपने बहन भाइयों में या माता पिता से, दादा दादी से ये डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर आपको राजा बना दिया जाए, रानी बना दिया जाए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे जिससे दुनिया आपको याद रखे। अमेजिंग फैक्ट्स। ब्रिटिश एम्पायर वॉज द लार्जेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे बड़ा एम्पायर था ब्रिटिश एम्पायर। इट वॉज अंडर द रूल ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के अंडर था, ए कंट्री विच इज़ ए कंट्री। मोर देन 1/5 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्ड इन द एम्पायर। ये जो ब्रिटिश एम्पायर था इसमें सारी दुनिया की 1/5 यानी पांचवा हिस्सा जनता संसार की पॉपुलेशन का रहता था। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। इंडिया वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। भारत में भी ब्रिटिश लोगों ने बहुत साल तक राज किया है, तो हम लोग भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे। मिलियंस ऑफ इंडियंस डाइड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान मिलियंस यानी लाखों करोड़ों लोग मर गए थे, भारतीय लोग। दे मेड वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज एक्सट्रीमली पुअर। हमारा देश बहुत ही ज़्यादा साधन संपन्न था, सबसे ज़्यादा पैसे वाला, सबसे धनी देश था, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर की वजह से हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मतलब बहुत गरीब हो गए थे। ये नए वर्ड्स हैं, इनहेरिट कॉन्क्वर एनफोर्स एम्परर। तो इन नए वर्ड्स को आप यहाँ पे देख लेना और याद कर लेना। पहले भी वर्ड मीनिंग्स में मैं भेज चुकी हूँ, ये इनका इंग्लिश मीनिंग है, इनको याद कर लेना। थैंक यू।